नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, सीआरपीएफ की तरफ से जो है यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है सिविल ब्रांच वालों के लिए, जो कि आपका ये असिस्टेंट कमांडेंट का है। तो आप लोग जो है देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद नोटिफिकेशन। तो देखिए, आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग जो आपका इसमें दिया हुआ है वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो देखिए, इस पीडीएफ को जो आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए, ये जो है एप्लीकेशन आपका, इसमें जो असिस्टेंट कमांडेंट का निकाला गया सिविल इंजीनियर के लिए, तो इसका देखिए जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का, तो वो है आपका 30/6/2021 है आपका। और बाकी देखिए जो क्लोजिंग डेट आपका दिया हुआ है, तो ये 29/7/2021 तक आपका ये दिया हुआ है। और डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन कब होगा, तो ये जो है बाद में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं आपका नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो इसमें देखिए जो आपका पोस्ट है, ये जो असिस्टेंट कमांडेंट का आपका है, तो इसमें जो है आपका टोटल वैकेंसी यहाँ पे 25 है। और कैटेगरी वाइज भी डिवीजन किया गया है, जनरल के लिए जो है 13 है, AWS के लिए 2 है, OBC के लिए 6 है, SC के लिए 3 और ST के लिए 1 है आपका। और ये जो है आपका स्केल पे लेवल 10 का आपका यहाँ पे है। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया आपका, तो इसमें है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में आपका मांगा गया हुआ है। तो आपका सिविल इंजीनियरिंग से बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। और वहीं पे एज लिमिट की बात करते हैं, तो इसमें देखिए मांगा गया आपका 35 ईयर्स, मतलब ये जो है इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो 35 ईयर्स तक मतलब जो भी है, तो ये दिया हुआ आपका यहाँ पे। और इसके साथ में रिलैक्सेशन दिया गया है जो गवर्नमेंट सबमिट है आपका यहाँ पे, मतलब जो 5 ईयर्स तक का उनका दिया हुआ है। और बाकी जो और भी दिया हुआ है इसमें आपका नोटिस करके यहाँ पे, कि जो कैंडिडेट जो ही मतलब फॉर्म को फिल करेंगे, तो उनके पास बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में आपका ये होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पे। और इसके साथ में नोट 2 में आपका दिया हुआ है यहाँ पर आपका, कि जो भी कैंडिडेट जिनके पास जो है एक्वायर्ड डिजायरेबल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब नहीं है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसको। तो इसमें सिंपल यह है कि BBTech आपका होना चाहिए। और इसके साथ में नीचे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको देख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बता देते हैं यहाँ पे। एज लिमिट की देखिए बात करते हैं, तो इसमें 35 ईयर्स है आपका यहाँ पे मैक्सिमम एज है। और ये चीज़ आप लोग देख लेना यहाँ पर आपका पूरा दिया हुआ, और भी क्या क्या इसमें रिलैक्सेशन दिया गया, तो ये पूरा चीज़ इसमें डिटेल में दी हुई है। और नीचे देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं आपका प्रोसेस ऑफ जो आपका सर्टिफिकेशन है और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट क्या आपके होने चाहिए यहाँ पे। तो आपको इन सारे सर्टिफिकेट को सबमिट करने होंगे जो कि इसमें दिया हुआ आप देख सकते हैं। और साथ में देखिए, इसमें जो फिजिकल और जो मेडिकल स्टैंडर्ड भी रखी गई है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है आपका दिया हुआ है, तो आपका जैसे आर्मी से रिलेटेड है, तो इसमें आपको ये तो फिजिकल भी मांगेंगे ही। तो हाइट देखिए, मेन के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और वीमेन के लिए 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और वेट जो है आपका ये 50 kg से कम आपका नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में देखिए आई साइट भी दिया हुआ है आपका यहाँ पे, कि जो विजुअल आपका 6x9 6x12 का आपका ये होना चाहिए, और वॉश कंडीशन में आपका 6x9 6x12 आपका होना चाहिए। और बाकी कितना जो पावर है आपका, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल चीज़ इसमें दी हुई है। और देखिए जो रिटर्न एग्जामिनेशन आपका होगा इसका, तो इसके लिए सेंटर आपके रहेंगे नोएडा, सोनीपत, अजमेर, प्रयागराज, भुवनेश्वर, दुर्गापुर, गुवाहाटी, पुणे, औरवाडी और बेंगलोर। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर है आपके, जहाँ पे एग्जामिनेशन लिया जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ी की देखिए हम बात करते हैं, तो जो मेल कैंडिडेट है जो बिलोंग करते हैं अनरिजर्व AWS और OBC कैटेगरी से, तो इनको देखिए पे करना है आपको 400 रुपीज़ यहाँ पर, और एज ए एग्जामिनेशन फ़ी। और बाकी जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से, यानी कि ST SC कैंडिडेट जो है, और साथ में जो भी फीमेल कैंडिडेट है, तो उनको जो है यहाँ पर कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है, वो जो है एग्जेम्प्टेड है फ़ी पे करने से। तो ये चीज़ दिया हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ में देखिए जो आपको पे करना है एप्लीकेशन फ़ी का, तो ये जो है आपको इंडिया पोस्ट मतलब कि जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू या फिर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आपको करना है, इन फेवर ऑफ DIG यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप सेंटर CRPF रामपुर, पेएबल एट SBI रामपुर, तो इसमें जो है आपको करने होंगे। और देखिए अप्लाई करने का भी तरीका यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो आपको जो है फॉर्म को फिल करके जो स्पेसिमेन है आपका, मतलब जो फॉर्म एप्लीकेशन जो फॉर्म आपका रहेगा, तो ये देखिए आपको शायद ये ऑफलाइन भरना है आपको यहाँ पे, और एप्लीकेशन को आपको जो है ये अटैच करके एप्लीकेशन का आपको सबमिट कर देना है बाय पोस्ट के थ्रू। और ये जो है क्लोजिंग डेट के पहले आपका हो जाना चाहिए। इसमें देखिए ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का आपका 30/6/2021, क्लोजिंग डेट है आपका यहाँ पे 29/7/2021, यानी कि 30 जून से स्टार्ट है और 29 जुलाई आपका ये जो है लास्ट डेट दिया हुआ है। तो आप लोग डेट का खासा ध्यान रखना है यहाँ पर। और इसके साथ में जो एप्लीकेशन आप फिल कीजिएगा, तो वो जो है उसके साथ में आपको
और फोटोकॉपी जब जो भी डॉक्यूमेंट है आपके, और साथ में दो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, तो ये सब सारा चीज़ आपको भेज देने हैं। और आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये से मतलब कि इस पे जो है आपको भेजना है, यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ है पूरा एड्रेस इसका। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है आपका, मतलब ऑफलाइन आपको इसको फिल करने होंगे। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना ना इसको। और देखिए जो आपका रहेगा यहाँ पर आपका, यानी कि रिसिप्ट करने का एप्लीकेशन आपका जो है, तो ये 29/7/2021 तक ही इसमें दिया हुआ आपका यहाँ पे। और ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जो भी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड आपके जो भी चीज़ है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना, तो ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है आपका। और इसमें जो स्टेजेज आपके होंगे, जो सिलेक्शन प्रोसीजर का, स्टेज वन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा, और इसके बाद फिर सेकेंड स्टेज में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, थर्ड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फोर्थ स्टेज में जो है आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन का फिर से रिव्यू होगा, और स्टेज फाइव में आपका इंटरव्यू होगा। तो इतना सारा जो स्टेजेस है इससे आपको गुजरते हुए जाना है यहाँ पे, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका तैयार होगा, आपका एग्रीगेट मार्क्स जो भी आपने ऑब्टेन किया होगा रिटन टेस्ट में और साथ में इंटरव्यू में, तो उसके बेसिस पे जो है आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। तो ये पूरा यहाँ पे टोटल दिया हुआ है आपका यहाँ पर, और भी नीचे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको पूरा देख लेना। और वैसे भी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था तो वो हमने आपको पूरा बता ही दिया यहाँ पे। और आपको जो है एप्लीकेशन को ऑफलाइन ही भरना है, जो कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म आपको मिल जाएगी। तो चलिए, यदि आपको और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, हम इसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे।